आपके वोट से राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा, आपके वोट से विधायक सांसद बनेंगे, या आपके वोट से एक वार्ड सदस्य बनेंगे। आपके पास इतना ताकत है कि देश के प्रधानमंत्री को बदल सकते हैं, ये आपके उंगली में ताकत है। क्योंकि बैकवर्ड में भी बहुत सारा नेता जन्म ले लिया, उसमें ऐसा हुआ कि सबके पास पावर आएगा, तो हमने क्या किया, आपके सहयोग से दल बनाया। पहले देश जब था आजादी से पहले, उस समय में राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था तो उसी को राजा बनाया जाता था, बड़ा बेटा को। लेकिन बाबा साहब ने संविधान बनाया, एक दलित का बेटा, एक राम का बेटा, ये देश का संविधान बनाया। और वो संविधान बनाया, उसके हाथ से लोग छुआ हुआ पानी नहीं पीता था, उनको किसी के घर में ठहरने नहीं देता था। पहले ऐसा होता था, अभी ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन पहले ऐसा होता था। आजादी से पहले वो अपने जिंदगी में हर तरह का समस्या का सामना किया। जब वो जन्म लिया तो उनके 5 साल में उनकी माता का देहांत हो गया, फिर उन्होंने पढ़ाई किया, लिखाई किया, विदेश तक पढ़ाई किया, और फिर देश के लिए संविधान लिखा। और संविधान लिखते समय हजारों समस्या का सामना किया, उसके बावजूद भी वो खास करके दलित भाई, पिछड़ा भाई, अनुसूचित समाज के लोग, इन लोगों के लिए बहुत कुछ किया। उस संविधान में ऐसा अधिकार दिया कि आपके वोट से देश का प्रधानमंत्री बनेगा, आपके वोट से राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा, आपके वोट से विधायक सांसद बनेंगे, या आपके वोट से एक वार्ड सदस्य बनेंगे। आपके पास इतना ताकत है कि देश के प्रधानमंत्री को बदल सकते हैं, ये आपके उंगली में ताकत है। इस देश में तो 75 से पहले एक वर्ग का ही कब्जा था, स्वार्थी लोगों का कब्जा था, लेकिन हमारे एक से एक बड़े बड़े नेता आए, बीपी मंडल साहब आए, ओबीसी आरक्षण लागू किए, लालू प्रसाद जी आए, नीतीश जी आए, माझी जी आए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी आए, उधर शरद यादव जी आए, उधर मुलायम सिंह यादव जी आए, बहन मायावती जी आए। तो 75 के बाद ऐसा हुआ कि बैकवर्ड में भी बहुत सारा नेता जन्म ले लिया, और जब बैकवर्ड में नेता जन्म लिया तो देश में संविधान जो है वो बैलेंस में चलने लगा। उसमें ऐसा हुआ कि सबके पास पावर आएगा, सिर्फ एक व्यक्ति के पास नहीं आएगा, और आपको और हमको दोनों को वोट का अधिकार भी हम लोग समझ गए। आज इसीलिए ना, आज एक मछुआरा का बेटा अपने वोट का अधिकार हमने समझा, हम अपनी ताकत को समझा, हमने पहले संघर्ष किया, दूसरे नेता के पीछे घूमे, फिर हमको लगा ये लोग सुन नहीं रहा, तो हमने क्या किया, आपके सहयोग से दल बनाया। और जब दल बनाया तो बल मिला, और जब बल मिला तो हमारे हर तरह का समस्या का हल हो रहा था। और 2020 का जब चुनाव हुआ था, उस समय बिहार का मुख्यमंत्री हमने बनाया, एक निषाद मल्ला का बेटा और एक मुसहर का बेटा, अगर समर्थन नहीं देते तो बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनता। वह ताकत हमारे पास आया, भले 4 विधायक था लेकिन 74 विधायक से कम नहीं था। हम अगर सपोर्ट में थे तो सरकार चलता, अगर समर्थन में नहीं रहते तो सरकार नहीं चलता। ये हमारे पास ताकत आया। आप दुश्मन से उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि एक गरीब मछुआरा का बेटा को मालिक बनाएगा। आप हमने पहले भी हमने संघर्ष किया है, आज 42 साल की उम्र हो गया, 42 साल में 24 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूं। एक समय था कि माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार सबको छोड़कर अपने जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मुंबई जैसे शहर चला गया, सब घर परिवार को छोड़कर। और आज बंबई में घर परिवार बच्चे हैं, वहीं पे रहते हैं, आज उनको छोड़कर आज बिहार में अपने लोगों को जागरूक करने के लिए आए कि नहीं, आप भी इस देश का शासक बन सकते हैं, आपके पास भी 15% वोट है, और अपने वोट का अगर ताकत का पहचान ले लीजिएगा तो देश के प्रधानमंत्री को भी आपके सामने में झुकना पड़ेगा, चाहे राज्य का मुख्यमंत्री हो उनको भी आपके सामने में झुकना पड़ेगा। हमारी लड़ाई है, जब बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, जब दिल्ली में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, तो बिहार में क्यों नहीं मिलेगा भाई। जब देश का प्रधानमंत्री एक है, संविधान एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों है, और हम पूरा करेंगे। आज 4 विधायक आए तो हम सरकार को घुमाते थे, जो कहते थे वो सरकार को मानना पड़ता था। कल 10 वो सांसद होगा तो दिल्ली में हमारा चलेगा। आप लोगों ने देखा होगा
कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्वर्गीय रामविलास पासवान जी एक ही लोकसभा सीट को लेकर उनकी सरकार को गिरा दिया था। कल हमारे पास भी 10 को सांसद होंगे, और जब 10 को सांसद होंगे तो हम भी दिल्ली के सरकार को कहेंगे कि आप हमारा काम कीजिए तो हम आपको प्रधानमंत्री रहने देंगे, वरना अगर आप हमारा काम ही नहीं कर सकते तो हम बदल देंगे। क्योंकि विपक्ष वाला भी ऑफर करता है, जैसे हम बिहार में मंत्री बने तो लालू जी का तरफ से ऑफर आता था कि आप डिप्टी सीएम बन जाइए, चारों विधायक को मंत्री बना लीजिए, आप हमारे साथ आ जाइए, हमारे साथ सरकार बनाइए। लेकिन हम लोग ईमानदार हैं, एक लव के वंशज हैं, अमर शाही चुप्पा के वंशज हैं, वीरांगना फूलन देवी के वंशज हैं। हम कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करते हैं, हम कभी किसी के पीठ में खंजर नहीं भोंकने का काम करते हैं, और हम लड़ते हैं तो सामने से लड़ते हैं, चाहे दुनिया का कोई भी ताकत क्यों ना हो। हम ईमानदारी के रास्ते पे चल रहे हैं। अरे कल हम जीरो थे, जीरो से हीरो बने ना, चार विधायक बना हमको, सरकार हमारे मुट्ठी में था, फिर 40 बना लेंगे। हम संघर्ष करने से हम लोग पीछे हटते हैं, हम वो समाज चाहते हैं कि भगवान राम को भी उस पार जाना होता था तो हमसे मदद लिए थे कि केवट महाराज जी हमको उस पार उतार दीजिए, तो हम उसका वंशज हैं। तो हमें दूसरे को नाव चलाने के लिए क्या देना है या दूसरे पे क्या भरोसा करना है, हम खुद नाव चलाने वाले हैं। जब भगवान को पार लगा सकते हैं तो हम क्यों नहीं अपना आप को पार लगा लेंगे। सिर्फ जरूरी है सिर्फ संघर्ष करना, सिर्फ जरूरी है अपने वोट बैंक को समझना, सिर्फ जरूरी है आपस में भाईचारा बना के रखना। आज देश में धर्म की राजनीति होने लगा, जिसको स्कूल बनाना है, जिनको अस्पताल बनाना है वो छोड़ के मंदिर बना रहा है। मंदिर बनाने के लिए आप लोग हैं ना, आज यज्ञ कर रहे हैं, महाराज जी यहाँ पे है, हम लोग सभी देवी देवता को मानते हैं, हम लोगों का काम है, सरकार का काम है भाई स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना। आज गरीब समाज पिछड़ा समाज का बच्चा पैसे के अभाव में दम तोड़ देता है, ये सरकार को सोचने का काम है। लेकिन सरकार नहीं, धर्म में हमको बांट रहे हैं, 5 किलो चावल दे रहे हैं और हमारे बच्चों को कह रहे हैं कि यही विकास है। क्या हम गुलाम हैं, भिखारी हैं? हमें नौकरी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें बैंक से लोन चाहिए, हमें पढ़ाई चाहिए, हमें इलाज कराना है, ना कि हमें भीख मांगना है। ऊपर वाला भगवान ने हमें 2 पैर दिया, 2 हाथ दिया, हम खेत में मजदूरी करेंगे, हम मछली मारेंगे, अपने घर परिवार को चलाएंगे। हाँ, पढ़ाने लिखाने के लिए कमजोर है तो सरकार का काम है कराना, लेकिन सरकार आज दूसरे तरीके से चल रहा है, जिसका जो अधिकार है वो उसको नहीं दे रहा है। तो आप अधिकार कौन देगा जब आपके विचार का सरकार होगा। आज मान लीजिए अगर कर्पूरी ठाकुर जी एक नाई का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते तो क्या अति पिछड़ा आरक्षण आपको मिल जाता? नहीं मिलता। आज अगर लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनते तो आपको कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं मिलता। ये है सामाजिक न्याय, और हम लोग सामाजिक न्याय के साथ रहना चाहते हैं। हम लोग हर धर्म के लोगों को मानना चाहते हैं, हर किसी को गले लगाना चाहते हैं, चाहे ऊंची जाति के हो या दलित का बेटा हो, हर किसी को गले लगाना चाहते हैं, वहां पे कोई भेदभाव नहीं करना चाहते हैं। पूरे बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, 3-3 राज्य में आज वीआईपी पार्टी का एक अपना पहचान बन चुका है। देश के बड़े से बड़े नेता को, चाहे योगी जी हो या मोदी जी हो या नीतीश जी हो या तेजस्वी प्रसाद यादव जी हो या लालू प्रसाद यादव जी हो, हर किसी को जगह पे ही हम टक्कर देते हैं। आपने देखा होगा 2020 में तेजस्वी थोड़ा हिरिंग मिरिंग किया तो हम क्या किए, जगह पे हम उनको राफ साफ कर दिए, और जब हम वहां से दूर हो गए तो मुख्यमंत्री से दूर हो गए वो। आपने देखा यूपी में कि वीरांगना फूलन देवी का मूर्ति लगाने से रोका रहा था, हम बोले जाएंगे तो जाएंगे, देश के जितने भी शक्ति लगाना है लगा दो, लेकिन जो हमारा कि हम लोग तो श्री राम को पार लगाने वाले हैं, हमने तो उस समय प्रभु राम को कहे थे हमारे पूर्वज ने कि आपको इस बार हम पार लगा देते हैं और हमको आगे पार लगाइएगा, लेकिन आप लोगों को हम लोग तो बीच में फंसे हुए हैं, पार तो दूसरे लोग लग रहे हैं, जबकि श्री राम को बचाने वाला हम लोग, पार लगाने वाला हम लोग हैं, और हम ही अभी श्री राम से दूर हैं। श्री राम पे तो पहला अधिकार हमारा होना चाहिए, बचाव चाह के लेके उस पार लगा दिए,
तो श्री राम पे पहला अधिकार हमारा होना चाहिए। तो लेकिन आज हम लोगों को दूर कर दिया गया, अभी राम मंदिर बन रहा है उसमें एक को निषाद का बेटा नहीं है। भाई श्री राम पे अधिकार हमारा होना चाहिए, 11 आदमी का कमेटी बना, एक को मला नहीं है। तो यही है, आप काम कीजिए और उसका फल आपको नहीं मिलेगा, लेकिन कर्म भी कीजिए, कर्तव्य भी कीजिए। इसमें घर में जाके सो जाइएगा तो नहीं होगा। आज मैं बॉम्बे में रहता, बिहार में आकर अपने समाज के लिए काम नहीं करता तो क्या मैं बिहार का नेता बनता, लीडर बनता? आज देश के बड़े बड़े नेता झुकते हैं, डरते हैं। आज कुछ भी नहीं है तो एक दर्जन सुरक्षा कर्मी मेरे आगे पीछे घूमते हैं। क्यों घूमते हैं? क्योंकि मेरे साथ आप लोग हैं। उनको पता है कि मुकेश सहनी जी बिगड़ गए 24 में तो यूपी बिहार झारखंड में 50 वो सीट का खेला खराब करेंगे। अब 50 वो सीट का खेला खराब हो गया तो वो दिल्ली का कुर्सी उनको छोड़ना पड़ेगा। तो देश में माहौल बदल रहा है, तो इस बार हम लोगों को बहुत फायदा उठा लेना है। भाई हम वोट दे रहे तो हमको भी कुछ मिलना चाहिए, या कह दीजिए कि हम आरक्षण मांग रहे हैं वो हम नाजायज मांग रहे हैं तो हम कल से मांगना बंद कर देंगे। अगर हम जायज मांग कर रहे हैं तो आपका कर्तव्य है, आपका फर्ज है कि आप आरक्षण लागू कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816।